चंदनपुर गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम रामू था। रामू की फसल एक दिन आग लगने से जलने लगी तो रामू जोर जोर से चिल्लाने लगा, हाय री मेरी फसल, मैं बर्बाद हो गया, मेरी फसल जल गई, मेरा पूरा साल अब कैसे निकलेगा। फिर रामू घर आ जाता है तो उसकी पत्नी राधा कहती हैं कि इतनी चिंता मत करो, इतनी चिंता करोगे तो बीमार पड़ जाओगे, बीमार पड़ जाओगे तो इलाज कैसे कराओगे, हमारे पास तो खाने के पैसे भी नहीं है। तभी रामू कहता है, मैं यह सब बातें भूल नहीं पा रहा हूँ, मेरे दिमाग में जलती हुई फसल ही चल रही है और मैंने सारी पूंजी अपनी फसल में लगा दी थी, अब हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे हैं। मैंने सोचा था इस बार की फसल से जमादार जी का भी कर चुका दूंगा और हमारे खाने की भी व्यवस्था हो जाएगी, पर क्या पता था कि समस्याएं और ज्यादा बढ़ जाएंगी। तभी राधा कहती है कि इतना ज्यादा मत सोचिए, अब हो गया उसे तो कोई नहीं टाल सकता, आप इतना सोचोगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तभी दो गांव के आदमी आते हैं और कहते हैं कि रामू बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ, तुम्हारी सारी फसल नष्ट हो गई, पर भला होने को कौन टाल सकता है, भगवान के आगे किसी की नहीं चलती। तभी रामू कहता है, क्या करें भाई, पता नहीं कैसे फसल में आग लग गई और सारी फसल नष्ट हो गई, अब तो पूरा साल कैसे निकालेंगे, भगवान भरोसे ही है सब, पता नहीं आग मेरे खेत में किसने लगा दी या अपने आप लग गई। रामू कहता है, पता नहीं माधव भाई, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। फिर रामू की पत्नी राधा कहती है कि कीड़े पड़ेंगे उस आदमी को जो हमारे खेत में आग लगाई है, बर्बाद हो जाएगा, वो ऐसी सजा मिले उसे आदमी को जिसे नरक में भी भगवान जगह नहीं दे। तभी माधव सोचता है कि और बदुआ निकले, उससे पहले मैं यहाँ से चला जाता हूँ, तो माधव कहता है, रामू अभी तो मैं चलता हूँ। तभी माधव बाहर जाकर सोचता है कि इन बदुआओं से मेरे ऊपर कोई असर नहीं होता है। तभी रामू राधा से कहता है कि बहुत दिन हो गए खेत की ओर गए हुए, एक बार खेत को देख आता हूँ और कुछ पैसे भी ले आता हूँ जमादार जी के पास से, नहीं तो हमारे खाने की व्यवस्था कैसे होगी, फिर खेत की बुवाई करके सूद समेत वापस लौटा दूंगा जमादार जी को। तभी रामू खेत की ओर जाने लगता है। तभी माधव रामू को देख लेता है और रामू के पीछे पीछे जाने लगता है। तभी माधव सोचता है, इतनी आसानी से मैं रामू का पीछा नहीं छोड़ सकता, कितने मुश्किल से मैं उसे बर्बाद कर पाया हूँ, और सोचता है कि रामू फिर से अमीर नहीं हो जाए, इसलिए मैं उस पर हर वक्त नजर रखूंगा। माधव सोचता है, कहीं यह फिर फसल बोने तो नहीं जा रहा है खेत की ओर। तभी रामू खेत में पहुंचता है तो देखता है कि उसके खेत में एक बहुत बड़ा पेड़ लगा हुआ था। फिर रामू सोचता है, यह पेड़ मेरे खेत में पहले तो नहीं था, अब कहां से आ गया इतना जल्दी। तभी रामू जल्दी जल्दी पेड़ की तरफ जाता है और देखता है कि इस पेड़ पर तो बहुत सारे फल भी लगे हुए थे। रामू सोचता है, इतने बड़े बड़े फल तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखे। रामू सोचता है, यह कौन सा पेड़ है। तभी रामू फल को छूने लगता है। तभी पेड़ कहता है, मेरे फल को छूना मत। तभी रामू कहता है, तुम तो पेड़ हो, तुम कैसे बोल सकते हो। तभी पेड़ कहता है कि मैं बोल सकता हूँ, मैं एक परीलोक का जादुई पेड़ हूँ, मुझ में बहुत सारी शक्तियाँ भी हैं। तभी पेड़ कहता है, मेरे फलों को सिर्फ परियां खा सकती है। परियों ने एक योजना बनाई थी कि हम धरती पर घूम कर आएंगे, जब भी वह आएगी धरती पर तो उन्हें भूख लगेगी तो वह यह फल खाएगी। तभी रामू कहता है कि मेरी फसल पहले ही जल चुकी है, मैं दूसरी फसल बोने आया हूँ, तो तुम यहाँ रहोगे तो मैं फसल कैसे बोऊंगा। तभी जादुई पेड़ कहता है कि जब तक परिया धरती पर रहेगी मुझे तो यही रहना पड़ेगा, मैं कहीं नहीं जा सकता हूँ। रामू कहता है, तुम यहाँ रहोगे तो मैं खेती कैसे करूँगा, और मैं खेती नहीं करूँगा तो मेरे परिवार का पेट कैसे पालूंगा। तभी जादुई पेड़ कहता है कि तुम और तुम्हारा परिवार मेरे फल खा लेना, और पेड़ कुछ सोने के सिक्के भी रामू को दे देता है, और जब भी परियों परिलोक में चली जाएगी तब तुम यहाँ खेती कर लेना। तभी दूर खड़ा खड़ा माधव देख रहा था कि यह तो एक जादुई पेड़ है और यह पेड़ तो रामू को सोने के सिक्के दे रहा है, तो रामू तो फिर से अमीर बन जाएगा। तभी माधव जादुई पेड़ के पास जाता है और कहता है कि तुमने रामू को बहुत सारे सोने के सिक्के दिए हैं, तो मुझे भी बहुत सारे सोने के सिक्के दे दो, नहीं तो रामू मुझसे ज्यादा अमीर हो जाएगा। तभी जादुई पेड़ कहता है कि तुम एक बहुत दुष्ट लालची व्यक्ति हो, मैं तुम्हें सोने के सिक्के नहीं दे सकता। तभी माधव कहता है कि नहीं, मुझे सोने के सिक्के चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ से काट डालूंगा। तभी जादुई पेड़ माधव को एक सोने का आदमी बना देता है और कहता है, मैंने तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी है। तभी माधव सोने का पुतला बन जाता है। वह कहते हैं, ना दोस्तों, जैसी करनी वैसी भरनी, जो जैसा काम करेगा उसे वैसा ही फल भोगना पड़ेगा। कहानी अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद। बहुत समय पहले की बात है, रामपुर नाम का छोटा सा गांव था। वहाँ के लोग बहुत ही हंसी खुशी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे और एक दूसरे के दुख सुख में हाथ बटाते थे। इस गांव में रामू नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी, दो बच्चे और एक बूढ़ी माँ थी। रामू के पास दो गाय और दो भैंस थी।
जिनका दूध बेचकर वह अपने परिवार का पेट पालता था। इस गांव की सबसे बड़ी समस्या पानी की थी, क्योंकि पूरे गांव में केवल एक ही तालाब था। लोग इसी तालाब से पानी भरकर अपने दैनिक जीवन के काम किया करते थे। गांव में पानी का कोई भी साधन नहीं होने की वजह से सारे गांव वालों को इसी तालाब पर निर्भर रहना पड़ता था। गांव वाले अपनी इसी जिंदगी से बहुत खुश थे, लेकिन एक दिन जब गांव के लोग तालाब पर पानी भरने जाते हैं तो वहां देखते हैं कि तालाब में बड़े बड़े मगरमच्छों ने कब्जा कर लिया है। गांव वालों ने अब तालाब से पानी लाना छोड़ दिया था, क्योंकि उन्हें बड़े बड़े मगरमच्छ से डर लगता है कि कहीं हमें मार न डालें। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन कुछ गांव वालों ने हिम्मत करके उस तालाब से पानी भरने की कोशिश की, मगर मगरमच्छ उनको मार कर खा गए। इस बात की खबर सुनते ही गांव में हड़कंप मच गया और पूरे गांव में यह बात फैल गई कि हमारे दो गांव वालों को मगरमच्छों ने खा लिया। ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन पूरा गांव खत्म हो जाएगा। तभी एक गांव वाला रामू से कहता है, हमें मगरमच्छ ने नहीं खाया तो हम पानी से प्यासा मर जाएंगे। भाई रामू, पता नहीं पानी के बिना हमारा गुजारा कैसे होगा। हमें कुछ करना पड़ेगा रामू भाई। तुम सही कह रहे हो हरी, हमें पंचायत बुलानी चाहिए और सरपंच जी को बताना चाहिए, तभी तो इस समस्या का समाधान निकल पाएगा। तुम सही कह रहे हो रामू। सभी गांव इकट्ठा होकर सरपंच जी की पंचायत बुलाते हैं और गांव के तालाब की समस्या सुनाते हैं और कहते हैं कि तालाब में बड़े बड़े मगरमच्छ आ गए हैं। इस दौरान अगर हम तालाब के पास जाते हैं तो मगरमच्छ हमें अपना शिकार बना लेंगे। फिर सरपंच जी कहते हैं, समस्या तो बहुत गंभीर है, कुछ तो उपाय सोचना पड़ेगा। इस समस्या से निकलने का अगर कोई बेहतर सुझाव दे सकता है तो वह है मुखिया जी। तुम लोग जाओ और मुखिया जी से कहो कि सरपंच जी ने तुम्हें बुलाया है। सरपंच जी, आप सही कह रहे हो। और रामू कहता है कि कृष्ण और गणेश तुम दोनों जाओ और मुखिया जी को लेकर आओ। तभी कृष्ण और गणेश मुखिया जी के घर पहुंचते हैं और मुखिया जी से कहते हैं कि सरपंच जी ने आपको अभी बुलाया है। और मुखिया धनीराम सरपंच जी के पास आ जाता है और धनीराम कहता है कि कहिए सरपंच जी, आपने हमें कैसे याद किया है। धनीराम, हमारे तालाब में मगरमच्छों ने हमला कर लिया है। अब गांव वाले लोगों के लिए पानी की समस्या खड़ी हो चुकी है। धनीराम, अगर तुम्हारे पास कोई इस समस्या का समाधान हो तो बताओ, मुझे तो अभी कोई सुझाव नहीं सूझ रहा है। मुखिया धनीराम गहरी सोच में पड़ गया। सरपंच जी, और तो कोई उपाय नहीं है, मगर हम एक उपाय कर सकते हैं। हम नया तालाब खोद सकते हैं और मगरमच्छों से लड़ना आसान नहीं है, वह किसी को भी हानि पहुंचा सकते हैं। तालाब खोदना इतना आसान काम नहीं है, मगर हम सब मिलकर खोदेंगे तो तालाब जरूर बन जाएगा। सरपंच जी मुखिया की बात से सहमत हो जाते हैं और कहते हैं, हाँ यही सही रहेगा कि हम नया तालाब बना लें। हम सब मिलकर काम करेंगे तो तालाब बन जाएगा, यही एक उपाय बचा है हमारे पास। सभी लोग उसी दिन से ही तालाब खोदने लगते हैं और सब मिलकर तालाब खोदते हैं। कुछ ही दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार गांव वालों ने मिलकर एक बहुत ही गहरा तालाब खोद दिया। कुछ ही दिनों में मौसम बदला और गांव में जोरदार वर्षा हुई। तालाब पूरा भर चुका था। गांव वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सभी खुशी से झूम उठे कि अब हमें उस मगरमच्छ के तालाब से पानी नहीं लाना पड़ेगा। और सारे गांव वाले बहुत खुश हुए कि हमारी पानी की समस्या समाप्त हो गई। कुछ दिन खुशी खुशी बीत गए और एक दिन रामू की पत्नी सीता ने कहा, मटकी में तो पानी नहीं है, खाना कैसे बनाऊं? आप एक काम करो, आप तालाब से पानी भर के ले आओ, जब तक मैं गाय और भैंस का दूध निकाल लेती हूँ। तभी रामू सीता से कहता है, हाँ जरूर, मैं भर लाता हूँ पानी की मटकी तालाब से। रामू जल्दी जल्दी तालाब की ओर जाने लगता है तो देखता है कि तालाब के पास तो बहुत भीड़ लगी हुई है। तभी रास्ते में एक व्यक्ति मिलता है तो रामू उससे पूछता है, भाई इतनी भीड़ क्यों लगी है। मुखिया धनीराम तालाब में पानी निकालने के पैसे ले रहा है। ऐसे पैसे कैसे ले सकता है, वह तो गांव का तालाब है। पता नहीं भाई, अब इस गांव में नहीं क्या समस्या खड़ी हुई है। रामू भी लाइन में लग जाता है और रामू जब मटकी भरता है तब मुखिया धनीराम कहते हैं, रामू तुमने पैसे नहीं दिए, यहाँ से पानी निकालने के पैसे देने होंगे। मुखिया जी, यह तालाब तो गांव का तालाब है, यहाँ से पानी बनने के पैसे क्यों देने पड़ेंगे। अब नियम बदल चुका है, यहाँ से पानी तुम तभी भर सकते हो जब तुम पैसे दोगे। सभी लोगों को यहाँ से पानी भरने के पैसे देने होंगे। मुखिया जी, ये आप क्या कह रहे हैं, आपको तो पता है हम सब गांव वालों ने मिलकर ही यह तालाब खोदा है। रामू मेरे साथ बहस मत करो, तुम मुझे कानून मत सिखाओ। जो लोग तालाब से पानी भरेगा उसको पैसे देने ही पड़ेंगे, और जो पैसे नहीं देगा उसको इस तालाब से पानी नहीं भरने देंगे। इस बात को हम लोग सरपंच जी से कहेंगे। अगर तुमने सरपंच जी से यह बात कह दी तो तुम और तुम्हारे परिवार के लिए परिणाम अच्छे नहीं होंगे। ये तुम देख लो कि तुम्हें अपना परिवार प्यारा है या गांव का तालाब। ठीक है, अभी तो मैं पैसे दे दूंगा, लेकिन यह अन्याय ज्यादा दिन नहीं चलेगा। रामू धनीराम को पैसे देकर मटकी में पानी भरकर घर चला जाता है। घर जाते ही रामू की पत्नी सीता कहती है, ऐसा मत कहो, मुखिया जी के बारे में अगर वह बुरे हैं तो क्या हम भी बुरे हो जाएंगे। भगवान सब देखता है, भगवान सबकी परीक्षा लेता है,
और मुखिया जी को भी अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। एक दिन एक पति पत्नी रास्ते में आ रहे होते हैं, तो उन्हें प्यास लगती है, तो उन्हें वह तालाब दिखाई देता है, तो वह तालाब के पास जाकर पानी पीने की कोशिश करते हैं। तभी मुखिया धनीराम कहता है कि यहाँ से पानी पीने के तुमको पैसे देने पड़ेंगे। पानी पर तो सभी का हक है, पानी पीने के भी कोई पैसे थोड़ी ही लेता है। और मैं एक राह चलता यात्री हूँ, तो मुझे बहुत पूरी तरह से प्यास लगी है, तो मुझे थोड़ा सा पानी पीने दीजिए। तुम मुझे कानून मत सिखाओ, यहाँ के लोगों से भी मैं पानी भरने के पैसे लेता हूँ। और तुम्हें अगर पानी पीना है, सचमुच में प्यास लगी है, तो तुम यहाँ पैसे दो और पानी पी लो। अगर पैसे नहीं दिए तो तुम यहाँ से जा सकते हो। वह पति पत्नी वहाँ से पानी पिए बिना ही चले जाते हैं, और वह पति पत्नी सीधे सरपंच जी के घर जाते हैं, तो सरपंच जी के गेट पर दो आदमी खड़े होते हैं जो कि मुखिया के आदमी थे। कौन हो तुम, इस गांव के तो नहीं लगते? मेरा नाम चंदन है और मैं इस गांव का नया कलेक्टर हूँ। यह सुनकर आदमी उन्हें अंदर जाने देते हैं। तभी वह सरपंच जी के घर के अंदर जाता है और कहता है, नमस्ते सरपंच जी, मैं इस गांव का नया कलेक्टर हूँ। नमस्ते कलेक्टर जी, बताइए यहाँ कैसे आना हुआ? गांव में एक तालाब है, मैं पानी पीने लगा था कि वहाँ पर एक आदमी खड़ा था, उसने मुझे पानी पीने नहीं दिया। कहा कि तुम यहाँ से अगर पानी पियोगे तो तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे। ऐसा आदमी कौन है जो पानी के भी पैसे मांगता है, मैं इसकी जाँच करूँगा। और सरपंच जी बाहर खड़े दो मुखिया के आदमी को अंदर बुलाता है। हमारे गाँव में यह क्या चल रहा है? तुम लोगों ने मुझे इस चीज की खबर क्यों नहीं दी? तुम लोगों को किस लिए यहाँ पर रखा है? अब तुम लोग मुझे यह बताओ कि कलेक्टर क्या कह रहे हैं, वह बात सच है या गलत, और वह कौन आदमी है जो तालाब से पानी निकालने के पैसे ले रहा है? सरपंच जी के डर से वह दोनों लोग सब सच सच बता दे। उस मुखिया धनीराम की यह हिम्मत कि वह पानी के भी लोगों से पैसे ले रहा है, और मुझे इस बात की कानो कान खबर भी नहीं है। उस मुखिया धनीराम को अभी का अभी मेरे पास बुला कर लाओ, और सारे गाँव वालों को भी एक साथ इकट्ठा करो। थोड़ी देर में मुखिया धनीराम वहां आ गया और सारे गांव वाले भी इकट्ठा हो गए। आप सब लोगों को मैंने एक बहुत जरूरी मुद्दे पर बात करने के लिए बुलाया है। मुझे तो इस बात का पता नहीं है कि तालाब से पानी निकालने पर यहां तो पैसे वसूले जा रहे हैं। यह सच है सरपंच जी, मुखिया धनीराम हमसे पानी के पैसे ले रहा है। सरपंच जी, हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है, तालाब भी हम सब लोगों ने मिलकर खोदा था। क्या ये लोग सच कह रहे हैं, तुम इनसे पानी के पैसे ले रहे हो? तभी धनीराम का ध्यान उस पति पत्नी की ओर जाता है जिसे मुखिया ने पानी पीने से मना कर दिया था। तभी मन ही मन में धनीराम सोचता है, अच्छा इस पति पत्नी जोड़े ने लगाई है मेरी शिकायत, मैं तुम्हें तो देख लूंगा। बोलो धनीराम, ये लोग क्या कह रहे हैं, तुम चुप क्यों हो? मैं सिर्फ एक बार तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। मैं तो गांव के विकास के लिए पैसे इकट्ठा कर रहा था कि कभी जरूरत के समय में ये पैसे काम आएंगे। और धनीराम सबसे माफी मांगता है। तभी सरपंच जी कहते हैं कि तुमने सारे गांव वालों और कलेक्टर जी के साथ अन्याय किया है। फिर सरपंच जी ने मुखिया के पद से धनीराम को हटा दिया, क्योंकि तुमने इस पद का गलत इस्तेमाल किया है। धनीराम कहता है कि नहीं, मुझे माफ करो धनीराम, मैं अब इस पद पर तुम्हें नहीं रख सकता। मैं अगर तुम्हें मुखिया के पद पर रखता हूँ तो पता नहीं तुम आगे गांव वालों के साथ क्या क्या करोगे। गांव का तालाब तो सबका है, मुझे क्या पता था कि मुखिया धनीराम उसे अपनी संपत्ति ही समझ लेंगे। मुझे माफ करना, मुझे पता नहीं था कि आप इतनी परेशानियों से गुजर रहे हो। गांव वाले कहते हैं कि नहीं सरपंच जी, आप माफी मत मांगिए, इसका गुनहगार तो मुखिया धनीराम है। आपने तो हमारे लिए बहुत कुछ किया है, आप तो हमारे गांव के भगवान हैं। आप गांव वालों के साथ आगे से ऐसा कभी कोई अन्याय नहीं होगा, ऐसा मैं आपको आश्वासन देता हूँ। सरपंच जी, मुझे इस पद से मत हटाइए, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा। बाद में गांव वाले सभी अपने अपने घर चले जाते हैं, और आगे से तालाब से पानी भरने में कोई परेशानी नहीं हुई। कहते हैं ना दोस्तों, कि दूसरे के साथ बुरा करने से खुद का ही बुरा होता है।